आज करनाल के करण लेक पर हरियाणा पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटन सप्ताह के दौरान करण लेक पर पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई। पर्यटन अधिकारी करण लेक अनिल बजाज ने बताया कि करण लेक पर बेहतर सुविधाएं देने के लिए पर्यटन विभाग कृत संकल्प है और आज पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में करनाल के करण लेक पर कार्य कर चुके रिटायर कर्मचारी व अधिकारियों को बुलाकर सम्मान दिया गया, क्योंकि ऐसे कर्मचारी व अधिकारी काफी लंबे समय तक पर्यटन विभाग में अपनी सेवाएं देते रहते हैं, इसलिए उनको सम्मान करना विभाग के लिए गौरव की बात है। इस मौके पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए पर्यटन अधिकारी अनिल बजाज ने बताया कि पर्यटन सप्ताह के दौरान पर्यटन विभाग की ओर से 31 अगस्त से 2 सितंबर तक आने वाले पर्यटकों को खाना और कमरा लेने पर छूट दी जा रही है। वहीं सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को कमरे की सुविधा पर 20% की छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 2 सितंबर को स्कूली बच्चों के बीच रंगोली प्रतियोगिता भी करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि करण लेक पर अब पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं, जिसके तहत करण लेक पर बैंकेट हॉल का कार्य शुरू हो चुका है। इसमें करीब 800 लोगों के लिए व्यवस्था की जा सकेगी। इसको पूरा होने में करीब 2 साल लगेंगे। इसके साथ साथ आने वाले 1-2 साल में लिफ्ट लगाने का प्रावधान भी है। उन्होंने कहा कि करण लेक के मध्य लाइट साउंड सिस्टम भी लगाया जाएगा, ताकि जीटी रोड पर आने जाने के लिए लोग करण लेक की ओर आकर्षित हो। उन्होंने कहा कि करण लेक चारों तरफ से प्राइवेट रेस्टोरेंट व होटलों से घिरी हुई है, उसके बावजूद भी यहां पर बेहतर सुविधाएं आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस मौके पर एमएल मित्तल, आरएस दूल, प्रेम बोहरा, सत्वी डिंगरा व विनोद गोयल, एमएस गुप्ता, एसपी कछपालिया, भारत भूषण शर्मा सहित बड़ी संख्या में रिटायर्ड कर्मचारी भी मौजूद रहे। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। उद्देश्य यही था कि जब नौकरी यहाँ करके और जब आदमी रिटायर हो जाता है तो दोबारा किसी न किसी तरीके से मिलेगा ना। अब कई कई दिन हो गए थे, जितने मेरे अधिकारी हैं इनसे पूछिए, आप इनका इंटरव्यू लीजिए कि कितने दिन बाद करण लेक पे आए। आप ये देखो कि आपस में भी मिलके ये कितने कितने दिन बाद मिले हुए, एक ही शहर में रहते हैं, तो हमने कम से कम ये काम तो किया कि इनको आपस में मिलवा दिया। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी डाल किया था। सर पर्यटन दिवस पर ही डिस्काउंट दिया जाता है 10% और 20% अधिकारियों के लिए, और अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसी सुविधा करनाल वासियों के लिए आप क्यों निकालते हैं, क्या कोई कार्ड वगैरह का बनवाएं ताकि करनाल की जो जनता है उसका लाभ उठा सके। बिल्कुल सर, आपका ये सजेशन बहुत जल्दी मुख्यालय को भेज दिया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जितने भी और जो कॉर्पोरेट बिजनेस जो हमें आता है उसमें एक कमरा पांच कमरे एक दिन और एक कमरा 5 दिन अगर कोई बुक करता है तो हम उसको 10% डिस्काउंट देते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने हमारे पास आते हैं, चाहे कर्मचारी चाहे अधिकारी, 20% डिस्काउंट हम उनको देते हैं, वो पहले से ही लागू है। बल्क बिजनेस पे जैसे आप मेरे पास कोई कैटरिंग करते हैं 300-400 आदमियों की, उसके लिए भी 10% फूड पे डिस्काउंट अभी भी हमारे पास पावर हम दे देते हैं। इंडिविजुअली नहीं शुरू हुआ अभी, 200 रुपए के बिल पे 10 रुपए का डिस्काउंट, इस तरह की अभी हमारे यहाँ नहीं शुरू हुआ। बल्क बिजनेस पे तो दे ही। आज हमारा हरियाणा टूरिज्म पर्यटन दिवस है और इसको हम हर्षोल्लास के साथ हर साल मनाते हैं, और इस उपलक्ष्य में हमने आज अपने पूर्व अधिकारियों और कर्मचारियों को जो यहीं से करण लेक से रिटायर होकर गए उनको बुलाया, अभी आपसे रूबरू भी कराया। इसके बाद हमने अभी आपके सामने ट्री प्लांटेशन किया, पौधारोपण, पर्यावरण को भी बचाना है। हमने करीब करीब 500 पौधे इस 15 दिन महीने के बीच में करण लेक के चारों तरफ लगाए। नवीनीकरण के लिए क्या कुछ नवीनीकरण के लिए देखो, बैंक्वेट आपको बताया था, जैसे कि मैंने बैंक्वेट आ रहा है, बैंक्वेट कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, 7 एकड़ में बैंक्वेट है और बाकी हमारे पास 16 एकड़ और पड़ी है, उसके नए प्लान आ रहे हैं और लिफ्ट लग रही है यहाँ पे, होटल में लिफ्ट लग रही है, कमरों का रेनोवेशन हो गया है, कुछ कमरों का हो गया है, 4-5 कमरे जो हैं बच गए हैं, पत्थर चेंज हो रहा है लॉबी में, वो आपने देखा भी, बाकी धीरे धीरे नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, म्यूजिकल फाउंटेन नया लग रहा है और भविष्य में लाइट एंड साउंड शो का एक प्रावधान है, उसके लिए हमने एक रिक्वेस्ट भेजी है मुख्यालय में, उसके ऊपर जल्दी अमल होगा, जैसे ही होगा आपको सूचित। ज्यादा पर्यटक यहाँ आए उसके लिए क्या प्रयास? उसी के लिए लाइट एंड साउंड प्रोग्राम, जैसे आप देख रहे हैं सामने बीच की जगह है, तो इसमें ऐसे रोहतक में भी ऐसे ही बना है, जैसे ज्योतिसर में है, इस तरह का कोई हम करण लेक पर लाइट एंड साउंड शो
तैयार करवाना चाह रहे हैं जिससे जिसको देखने के लिए पर्यटक पर्यटकों की भीड़ उमड़ के आए। ये नई चीज है। डिस्काउंट्स के लिए क्या पॉलिसी बनाई? डिस्काउंट अभी जैसे पर्यटन दिवस शुरू होता है तो 2-3 दिन हम डिस्काउंट देते हैं, 10% फूड पे है और 10% रूम्स पे है। सरकारी कर्मचारियों को तो हम कंटिन्यूसली दे ही रहे हैं, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। उसके अलावा कॉरपोरेट में जो 5 कमरे 1 दिन या 1 कमरा 5 दिन कोई लेता है तो 10% डिस्काउंट उसको देते हैं। बल्क में जो कैटरिंग का बिजनेस आता है, जो को पार्टी आती है, उसमें हम लोग 10% डिस्काउंट देते हैं फूड पे। बोटिंग वगैरह में भी कुछ है? बोटिंग में देखो बल्क में लेडीज किट्टीज आ जाती हैं, कोई हमें रिक्वेस्ट करता है तो हम उनसे, क्योंकि बोटिंग लीज पे है, बोटिंग का ठेका हमने 3 साल का दिया हुआ है, क्योंकि वो प्राइवेट वेंडर है, इसलिए कभी कभी हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो भी मान लेते हैं, उनको भी बिजनेस मिलता है। हमारे लिए हमारे पर्यटक खुश हो जाते हैं कि भी टूरिज्म वालों ने डिस्काउंट करा दिया। रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए भी है कुछ? ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन सीनियर सिटीजन को वैसे भी भले मानस है, ठेकेदार हमारे अच्छा से दे देते हैं डिस्काउंट। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।